हेलो स्टूडेंट, आज का जो ये सेशन है मेरा एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। टेक्निकल एंट्री स्कीम के ऊपर सेशन है। आप लोगों को सभी को पता होगा, आप में से कई लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर भी दिए होंगे, पर नहीं करें हो तो इमीडिएटली आप TES के लिए अप्लाई करें। इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, वो डिस्कस करता हूँ। दूसरी बात, NDA 1 का जो आपने पेपर दिया था उसका रिजल्ट भी अब आने ही वाला है, जून के 1st, 2nd, 3rd वीक तक आ जाना चाहिए। और एक अच्छी बात ये देखिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस में जाने के कई सारी डिफरेंट एंट्री हो सकती है, और ऑफिसर रैंक में जाने के लिए भी बहुत सारी डिफरेंट आपके पास क्राइटेरिया हो सकते हैं। और शर्त है कि अगर आप सोचते हो कि आपको डिफेंस में जाना है तो फिर कुछ और ऑप्शन अगर आप नहीं लेंगे तो ही डिफेंस में जा सकते हैं। अगर आप 4 ऑप्शन एक साथ लेके चलते हैं तो ही कई बार प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले, और जो जो मिसकंसेप्ट है, जो जो कन्फ्यूजन है, जो जो आपने डाउट भेजे हैं मुझे, वो पहले मैं आपको पूरे डिस्कस करूंगा और साथ में TES के बारे में पूरी चीज़ें बताऊंगा। नंबर 1 कि TES के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं। देखिए, मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं हमेशा कोई भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसके बाद भी मैं एक बात बोलता हूँ कि आप हमेशा मेरी बात सुनने के बाद भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ें, इवन हो सके तो प्रिंटआउट निकालें, प्रिंटआउट पे इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन करें, अपने आप को चेक करें कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, फिर अपने डाउट भेजें। पर होता ये है, जैसे कई बच्चे कि सर अब पूछते हैं कि सर 3 दिन का SSB हो गया, मैं बोलता हूँ बताइए कहाँ है ऑफिशियली। सर NDA में, जैसे जब अभी राज पटेल का जब सिलेक्शन हुआ तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी जो बच्चों ने मुझसे पूछी कि सर उसके 48% हैं, वो कैसे सिलेक्ट हो सकता है, हमारे हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ तो बोला गया है कि 60% होना चाहिए, 70% होना चाहिए। तो प्रॉब्लम्स क्या है वो समझाता हूँ मैं आपको पहले, कि हम बिना इन्फॉर्मेशन के किसी ने कहा वो सुन लेते हैं। इसलिए मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके बाद भी आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इनफैक्ट मैं आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आप उस लिंक पर जरूर जाएं और ये पहले इस पेज के पूरे प्रिंटआउट निकालें। इसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ें दी हैं। नंबर 1 कि जैसे आप 16.5 ईयर से लेकर 19.5 ईयर की एज के बीच में अगर हो गए तो एलिजिबल, पर आपकी हाइट क्या होना चाहिए वो भी मेंशन है कि 16.5 से 17.5 में क्या हाइट होना चाहिए, 17.5 से 18.5 में क्या होना चाहिए, 19 से कि एज में आपकी हाइट क्या होना चाहिए, क्योंकि हाइट इंक्रीज होती है। तो अगर आप 17 साल के हो और आप 19 साल के हो तो आपकी हाइट में वो जो डिफरेंस है वो भी मेंशन किया गया। मेडिकली आप कितने फिट होना चाहिए, क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपका आई लेवल क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्ट, मतलब हर एक चीज़ें बताई गई हैं। क्यों ना हम इसको अच्छे से पढ़ के सारी चीज़ों को पहले समझें। तो जैसे जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 50% वाला बच्चा डिफेंस में जा सकता है, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ क्या होता है कि पहले तो आप समझें कि आपको अगर डिफेंस में जाना है तो नंबर 1 कि आप 12th के बाद जा सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद। अब 12th के बाद जाने के बाद के लिए भी कई सारे रास्ते हैं और ग्रेजुएशन के बाद जाने के भी कई सारे रास्ते हैं। तो 12th के बाद, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे अभी मैसेज किया कि सर NDA 1 दे दिया है, पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ है और अब हमारी एज भी निकल गई तो क्या करें, तो क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, CDS में, जहां NDA की एज खत्म होती वहां से CDS की चालू हो जाती। जैसे NDA के बाद, NDA के साथ साथ आपको देखिए NDA के थ्रू जब आप जाते हैं तो आपको 3 एंट्री मिलती है, या तो आप इंडियन आर्मी में जाते हैं या नेवी में जाते हैं, इंडियन नेवी में या इंडियन एयरफोर्स में जाते हैं। इन तीनों में दूसरे तरीके भी जाने के, आप इंडियन आर्मी में जाने का तरीका है कि आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू जा सकते हैं जहां पर परसेंटेज देखे जाते हैं। नेवी में जाने के लिए NDA के अलावा दूसरा तरीका नेवी टेक, जहां पर JEE मेंस के स्कोर को देखा जाता है। तीसरा, इंडियन एयरफोर्स में जाना है तो आप XY ग्रुप के थ्रू जा सकते हैं, राइट, ये 12th वालों के लिए। फिर ऐसे ही हम ग्रेजुएशन में आ जाते हैं तो हम CDS के थ्रू जा सकते हैं, RPET के थ्रू जा सकते हैं, यानी इवन हम NCC में अगर सी सर्टिफिकेट है तो हम जा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट आपको हर एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए क्या करना है। तो अभी ये सेशन स्पेशली मैं TES के लिए ले रहा हूँ, तो पहले इसकी बात करूंगा, नेवी टेक का अलग सेशन लूंगा, XY का अलग सेशन लूंगा, CDS के अलग, क्योंकि सबके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। पर सभी में एक चीज़ याद रखिएगा कि SSB होता है, केवल XY ग्रुप ऐसा है जहाँ पर SSB नहीं होता है, पर वहाँ पर क्या होता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ पहले TES की, कि TES के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके 12th में, क्योंकि अब आपका 12th का रिजल्ट आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 70% हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप मुझसे पूछते थे कि सर हमारे यहाँ बोला गया है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिली,
ट्वेल्थ के परसेंट देखे जाते हैं, पर कहाँ देखे जाते हैं मुस्लिम जी? एनडीए में नहीं, एनडीए में नहीं। अगर आप टीएस में जा रहे हैं तो देखेंगे, अगर आप नेवी टेक के थ्रू जा रहे हैं तो देखेंगे, यानी किस एंट्री के थ्रू जा रहे हैं उसमें डिपेंड करता है क्राइटेरिया हुआ। तो अगर आप 70% के ऊपर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद उनके पास जितने भी एप्लीकेशन आते हैं, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ कि आपको करना चाहिए। जो एप्लीकेशन आते हैं उनको वो ऑब्जर्व करके जो परसेंटेज, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट को बुलाना होता है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 90, तो 90 सीट्स के लिए बुलाया जाता है टीईएस के थ्रू, तो वो आपको कॉल करेंगे। फिर आप 5 दिन का एसएसबी देंगे। अब जब एक डाउट होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वो 3 दिन का एसएसबी हो गया हमने सुना। मैं बोलता हूँ कहाँ, अभी कहाँ आया? ऑफिशियली जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम मान लेंगे। ऐसा बहुत समय से चल रहा है कि कर देंगे, पर अभी भी ऑफिशियली ऐसा नहीं हुआ। जब होगा, जब हम बात करेंगे, तो वो आपको 5 डेज के एसएसबी के लिए बुलाएंगे। उन 5 डेज में क्या होगा वो भी आपको देखें तो आप सभी जगह इसमें वो भी मेंशन है कि जैसे 2.4 किलोमीटर की रनिंग 15 मिनट में करना है, राइट, 20 सिटअप लगाना है, 20 पुशअप लगाना है। तो मैं आपको इसलिए यहाँ पे बोलता हूँ कि आपको हर दिन 4 किलोमीटर की रनिंग करना चाहिए, 4 से 5 किलोमीटर आदत डालो। वो 15 मिनट में 2.4 बोलते हैं, 15 मिनट में 3-4 किलोमीटर की रनिंग करो। वो 20 सेटअप बोलते हैं, 20 पुशअप बोलते हैं, आप 50-50 लगाने की आदत डालो। तो ये होगा कि अगर आप 50 रोज लगाते हो तो 20 तो पता ही नहीं चलेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही होगी कि आप पीछे से करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि आपको अपने आप को ऐसे तैयार करना है कि कहीं से भी कोई आपको रिजेक्ट ना कर पाए। आप सोचिए कि कोई रिजेक्ट क्यों करता है। इसीलिए इस साल का जो 20 मई से मैं बैच चालू कर रहा हूँ NDA 3 NDA 2 के लिए, उसमें मैं एक दिन स्पेशली SSB की ट्रेनिंग के लिए अभी से कर रहा हूँ, यानी रिटर्न के साथ भी SSB में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अभी से डेवलप करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ कि वो 14 दिन का प्रोसेस नहीं है कि आप गए और 10-12 दिन आपने पढ़ लिया, उन्होंने याद करवा दिया, ये कर लो, उससे नहीं होगा काम। काम होगा अपने आप को हर दिन के लिए तैयार करना, वो एक एडिशनल चीज़ें हैं। वो आपको जब आप अपने आप में ये सब चीज़ें तैयार कर लोगे, फिर वो 14 दिन की ट्रेनिंग आपके लिए इफेक्टिव हो सकती है जो हम करेंगे। पर अभी जो मेरा सोचना ये है कि आपको पहले ये दिमाग में लाना है कि हमें अपने आप को डिफेंस के लिए अगर तैयार करना है तो हमारी लाइफ स्टाइल ऐसे होना चाहिए। इंडियन आर्मी की लाइफ स्टाइल क्या है, एयरफोर्स की लाइफ स्टाइल क्या है, नेवी की लाइफ स्टाइल क्या है, उनको बहुत नियर से, बहुत ही पास से ज़रा ऑब्जर्व करो, उनकी लाइफ स्टाइल को देखो। अगर हो सके तो आर्मी कैंप में विजिट करो, ऑफिसर से मिलो, उनके साथ डिस्कशंस करो, ये चीज़ें आपको डेवलप करेगी। तो ये मैं बोलूँगा सबसे पहले कि आप अगर 70% के ऊपर है तो अप्लाई करें। ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। दूसरा, एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2003 के बीच में अगर आप हैं, इस डेट से लेके इंक्लूड होगी, इसके एक दिन पहले या इसके एक दिन बाद के भी बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ का उन्होंने स्ट्रिक्टली एक ही रूल बनाया है कि जो 10th की मार्कशीट में है। मुझसे कुछ बच्चों ने ये भी पूछा कि सर हमारी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग है पर जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें अलग है, वो बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से एलिजिबल है पर 10th की मार्कशीट से नहीं है, तो क्या कंसिडर करेंगे? उसमें बिल्कुल क्लियरली मैंशन है कि वो 10th बोर्ड की मार्कशीट में जो लिखा उसी को कंसिडर करेंगे और कोई अदर डॉक्यूमेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को। तो बस बात खत्म हो गई। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को पहले समझिए। तो अगर आप इस डेट के बीच में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो गए हैं 10 मई से लेकर 8 जून तक। अभी भी अगर आपने फिल नहीं किया तो कर दें। अब बात आती है कि किन के पास नॉर्मली कॉल आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप 80% के ऊपर हैं तो आपके पास बहुत चांसेस हैं कॉल आने के। 85 के ऊपर हैं तो 80% चांस हैं, 90 के ऊपर है तो 100% आपको कॉल आएगा ही, आप डायरेक्ट SSB के लिए जाएंगे। पर SSB के लिए जाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तैयार करना है। नेक्स्ट वीक से मैं आपके साथ SSB के भी कुछ सेशन शेयर करना चालू करूंगा। जो यहाँ पे सेशन होंगे उन सेशन को मैं आपके साथ भी कुछ शेयर करूंगा। स्क्रीन टेस्ट कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस आपसे करता हुआ चलूंगा। अगर आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हैं तो भी मेरी कोशिश ये होगी कि आप घर पर रह के भी काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर पाएँ। क्लासरूम कोर्स में जो है उनको तो ये सब चीज़ें मिलेंगी, पर आपके साथ भी जितना पॉसिबल होगा वो करूँगा। और मैंने आपसे बोला कि हर चीज़ के लिए पहले अपने आप को तैयार करना होता है, सारी चीज़ें अपने आप बनने लगती हैं। तो आप अपने आप को फोकस करते चलिए। इमीजिएटली अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई करिए। और इसके लिए क्योंकि आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना, अच्छी बात है कि आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आप लीजिए। दूसरा, NDA 1 का पेपर में अगर आपके मैथ्स में 80-90 के आसपास हैं, GAT में 180 के आसपास हैं, तो बिल्कुल चांसेस हैं कि आप क्लियर कर लें। और NDA 1 के SSB के लिए भी आप अपने आप को इस तरह से तैयार कर सकते हैं।
बाकी एनडीए 2 के लिए भी अपने आप को फोकस रखें। क्यों? क्योंकि एनडीए या डिफेंस एक ऐसी एंट्री है जहां पर हमें पता नहीं होता कि कब हमारी एंट्री होगी, इसलिए अपने आप को हर समय हर पल तैयार रखना होता है। तो एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए फिर, और जो जो एंट्री होगी मैं बिल्कुल बता दूं आपको क्लियर कि अब अगर आपने सोचा है कि डिफेंस में जाना है तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि पीछे हटने वाला कभी भी सेलेक्ट नहीं हो सकता। आपके पास रास्ते हो सकते हैं, आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं 10-10 SSB के पास जाते हैं, पर अगर किसी ने सोच लिया जाना है तो फिर जाते ही। तो एंट्रीज बहुत सारी हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बस ज़रूरत है कि आपकी विल पावर इस बात के लिए स्ट्रांगली हो कि मुझे ये जाना है। क्यों जाना? अगर ये विजन क्लियर होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप पहले फॉर्म अप्लाई करिए, फिर क्या करना है, किस ढंग से स्टडी करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।